रेल न्यूज़, रेल अपडेट और रेल नॉलेज की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल रेल दोस्त रोहित को सब्सक्राइब करें। साथ में अपडेट जल्दी पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर सेट करें। दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आ रही है एसडीएफ को लेकर, यानी स्टेशन डेवलपमेंट फी। मतलब आसान भाषा में कहे तो रेलवे स्टेशनों का विकास करने के लिए रेलवे अब आपसे चार्ज लेगी। ये फीस आपसे 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक लिया जाएगा। आपकी यात्रा के क्लास वाइज के हिसाब से अलग अलग चार्ज लिया जाएगा। अगर आप सीजन पास या लोकल ट्रेन से आते जाते हैं तो आपसे तब कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। बाकी आप इस चार्ट को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि आपसे कितना शुल्क लिया जाएगा। और तो और, आपसे प्लेटफॉर्म टिकट के अलावा 10 रुपये लिए जाएंगे। अगर आप रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो आपसे शुल्क का आधा यानी 50% ही लिया जाएगा। ऐसा सभी रेलवे स्टेशन पर नहीं होगा, सिर्फ बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पर ऐसा किया जाएगा, लाइक जयपुर, दिल्ली और प्रयागराज जैसे रेलवे स्टेशनों पर। और तो और, GST भी अलग से लिया जाएगा और इसे जल्द लागू किया जाएगा। अगली अपडेट राजस्थान के डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से। अब फाइनली डूंगरपुर क्षेत्रवासियों के लिए पैसेंजर ट्रेन शुरू होने जा रही है। रेलवे ने एक बार फिर से ट्रैक निरीक्षण कर डूंगरपुर के लिए ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। 17 जनवरी से इस नए ट्रैक पर पहली बार पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी। 79403 और 04 असारवा हिम्मतनगर डेम्यू ट्रेन को ही डूंगरपुर तक चलाया जाएगा, जिसका स्पेशल ट्रेन नंबर 095-43-44 होगा। असारवा से सुबह 10 बजे चलकर डूंगरपुर 2:30 बजे पहुँचेगी और डूंगरपुर से दोपहर 2:50 पर रवाना होकर असारवा शाम 7:15 पर पहुंचेगी। अगली अपडेट स्कूरबस्ती और पलवल के मध्य चल रही EMU स्पेशल ट्रेन को लेकर। रेलवे अब इस ट्रेन को मथुरा तक संचालित करेगा। इससे यात्रियों को काफ़ी फायदा होगा। दिल्ली से यात्रियों को मथुरा जाने के लिए एक और फुली अनरिजर्व ट्रेन मिल जाएगी। 31 जनवरी से पहली बार मथुरा के लिए संचालित होगी। अगली अपडेट 22683 और 84 लखनऊ यशवंतपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। रेलवे इस ट्रेन के ISF डिब्बों को LHB डिब्बों में बदलने जा रहा है। 17 जनवरी को यशवंतपुर से 16 LHB डिब्बों के साथ संचालित होगी और 20 जनवरी को लखनऊ से। अगली अपडेट रेलवे की तरफ से बंद पड़ी कुछ ट्रेनों को फिर से शुरू किया जा रहा है, जिसमें पहली ट्रेन है हजर निज़ामुद्दीन महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन को 26 जनवरी से और दूसरी ट्रेन मडगांव एर्नाकुलम वीकली सुपरफास्ट ट्रेन को 16 जनवरी से। अगली ट्रेन 15811 और 12 गुवाहाटी दुबड़ी एक्सप्रेस ट्रेन को 17 जनवरी से शुरू किया जा रहा है। और साथ ही में नॉर्थ ईस्ट रेलवे की तरफ से 6 मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिनका फुल टाइम टेबल आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएगा। वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस दोस्तों, अगर अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। साथ में ऐसी और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते एक और नई अपडेट के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।